ये वो त्यागीसंत थे जो अभी स्नान कर रहे हैं और ओहो 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पर तपस्या कर रहे हैं। डॉक्टर ज्यादा बलवान है, हमारा राम ज्यादा बलवान है, पहले बताओ राम नाम की गोली मारो कहते हैं। साथियों, आज एक ऐसे संत के दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि बहुत ही दिव्य और तपस्वी हैं। चित्रकूट के घनघोर जंगल पर अभी हैं और आज आपको दिखाएंगे कि वास्तव में त्यागी संतों की कैसी साधना होती है, कैसे वे इस चिलचिलाती धूप में अपनी साधना करते हैं। एक एक क्रम आपको दिखाएंगे और चलिए चलते हैं। साधु जो संत हैं वो इसी घनघोर जंगल के बीच में तपस्या कर रहे हैं तो उनके धुनी तक पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो त्यागी पुरुष होते हैं और जो ऐसे जंगल वाले संत होते हैं उसमें क्या फर्क होता है और कैसे त्यागी संत धुनी को जलाते हैं और इस चिलचिलाती धूप में वो साधना करते हैं। गोली खाते हैं, कहना भी है कि हमें बीमारी हो तो हमें अस्पताल नहीं ले जाना, मर जाने देना। ये डॉक्टर ज्यादा बलवान है कि हमारा राम ज्यादा बलवान है, पहले बताओ राम नाम की गोली मारो कहते हैं तो हम खाते हैं राम नाम की गोली, ये गोली नहीं खाते हैं। गोला छूटे भाग भाग जाए सब। एक बात और, जैसे राम नाम की गोली में ज्यादा आनंद है, ये डॉक्टर की गोली में कहा है मछली का पॉइजन रहता है, लहसुन प्याज हम खाते नहीं है। महाराज सही, उसमें जहाँ दुनिया का मिलावटी रहता है गोली में तो हम लोग नहीं पाते हैं। तुरंत आराम मिलता, लेकिन इसमें हमेशा के लिए आराम मिल जाता। इसमें ये ना, ये तो महान है, इसमें क्या देखना कुछ नहीं होगा, बता दे हमें कुछ नहीं हुआ। हम चाहे जहाँ पर आए रहते ना, हमें सांप चबाए ना बीछी चबाए कुछ नहीं। आप पड़े ही तो हैं वहाँ पे, एक बार आना दे खाना ना एक बार। बिल्कुल आपके आश्रम आएंगे बढ़िया, आप तुम्हारे बड़े बड़े पेड़ हो गए। जब हम घर से छोटे रहे हैं अब तो बड़े बड़े हो गए, लगभग 100 पेड़ हैं। बाहर बढ़िया कुटिया बनाए हुए हैं, हनुमान जी बैठे। हाँ, दिक्कत यह है कि मैं कोई कड़क साधु हूँ, ठीक है, घर घुसरों को नहीं जाने देता अपने गांव में, अपने एरिया में। घर घुसरों मतलब मेहरिया वाले साधु हो अथवा मेहरिया वाले आदमी, कपड़े बैठा पर काम कर जाए तो मोले परेशान है बाबा, और क्या। तो इसलिए मैं नहीं बैठने देता, मुँह से जलते रहते बाबा, बहुत खराब है भाई। असली साधु तो वही है जो 500 मीटर तार लेकर के गया था कुटिया पर साल बिजली राजी से मेरी कटवा दिया है, मतलब कट गई बीच में, वो नहीं जान पाया कहे बाबा सिंचाई करता है। मैं कहा चल के देख तो आ भाई, तुमने यहाँ से तार काटा कम से कम देख के आओ कि वहाँ तार गई कहाँ है। तुमने तो खंभा के पास से काट दिया और वहाँ देखने नहीं गए कहाँ गई, किसके यहाँ गई, क्या बाबा कर रहा है, कौन रह रहा, डकैत है कि साहेबान है, कौन है, तो नहीं गए हैं। मैं उनसे बुलाया, 20,000 घूस भी मांग रहा था, मैं नहीं दिया राम इच्छा से। मैं कहा ये कटा नहीं दूंगा, मैं जानता हूँ चले चल जेल में रहेंगे, हमारा घर है वो भाई, कन्हैया जी घर है हमारा घर आज भाई। साधु को चाहिए क्या, वो नहीं चल भाई, हम शुरू हो जाए ना चिंता के हमारा हो जाए साधना कहीं नहीं चल। तो वह फिर बाबा कहे नहीं फंसे की मीटर लगवा लो, पैसा बता कहा 5,000 रुपए लगेगा। तो मैं कहा मेरे पास अभी नहीं है, मैं मार्ग में जा रहा हूँ, दक्षिणा पाऊंगा वहां से तो फिर उसको दे दूंगा। तो अब वास्तव में दक्षिणा मुझे मिला है 5-7 हजार, हमारे भी पड़ते हैं बढ़िया, तो रामायण में हमें महाराज जी 4-5 हजार रुपया दिया करते हैं, तो उसमें दिया। तो अब विचार बनाए कि अब कहूँगा भाई चाहे मीटर लगा देने, मैं बिजली फटा रहा हूँ, मुझे 4 महीने के लिए जरूरत है महाराज, 4 महीने के लिए बकाया फिर जरूरत है, इधर की बना दे राम इच्छा से, है ना। तो आनंद हो जाए हमारा, क्या है सही समस्या, पानी क्या आउ तो नहीं आओ साधु, क्या चाहिए, हम त्यागी मूर्ति है, पानी है और ये लक्कड़ चाहिए, लक्कड़ हम मनमाना है ही है, जल की कमीशन है, सबके नहीं, पहले गृहस्थ के साधु के बाद में साधु सब कह सकता है। साधु 3 दिन भूखा रह सकते हैं, आप नहीं रह सकते, सही ठीक है, क्योंकि आपके साथ परिवार लगा है, हम अकेले हैं भूखे हैं, चलो पत्ती उत्ती खाओ, अब तुम खाओ लिया तुम्हारा बच्चा कहाँ नहीं है जो है बाबा, आपको वास्तव में जरूरत है, मजाक आपको जरूरत है। ये साधु संत के तो बात की चीज है, ये है कि कम से कम पानी चाहबे करी, अब तुम साधु बनाए हो तो कहा पानी नहीं पियो, हमें तुम्हारे दुआ जा तो कहे पानी लुटा दिया बाबा, रहते के सहारे साधु है, भाई साधु को चाहिए कि लक्कड़ साधु भाई किसानी थोड़ी करी, अब भेस में हम किसानी करें लागन, अब नौकरी कहाँ लागे, तुम कहे बाबा साथ साधु दाढ़ी रखाए किसानी करते, किसानी हम कुछ नहीं करें, कहा भोजन तो चाहबे करी, अन्न माई प्राण हमारे चाहिए तो हमारे देवता अगरबत्ती चाहिए और बाबा, तो वो दे तुम्हें भगवान हमारा तुम्हारे भीतर प्रेरणा नहीं है, प्रेरणा डाके के आए भूषण भूकन मरा तो साधु ये जाके रूप दिया, बिल्कुल देख तुम ही का है, तुम ही का लेख है, भजनो हम कही था पलायन हो गई था, संसार खेत के लाने आगे भारत माता हमार अच्छी तरह से रहा, ठीक है, हमारे दुनिया के सब लोग अच्छी तरह से रहा।
हमें कहा है रोटी खा जंगल पैर आदि मर जाएंगे तो मर जाएंगे, सबका मरे है भगवान हम आया है तुम्हारे है आइए मृत्यु वाला है मृत्यु लोग है सब कोई मरेगा, यहाँ थोड़ी है जो अमर है तो वो भी नहीं दिखाई देता है, वो भी नहीं दिखाई देता अलोक है, जो शरीर पाया है तो त्याग ही गया। ये इसलिए कुछ करना चाहिए भाई, जानवर मन के नहीं मतना चाहिए भाई, नहीं आज के जमाने में जानवर में आदमी में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर न रह जाएगा। मैं बताऊं इसका उदाहरण कैसा क्या है, जानवर बच्चा पैदा करता है खाता है और उसे अच्छा अच्छा खाने का हर चीज का शौक भी रखता है ना, ऐसे आदमी करता है अच्छा अच्छा खाता है बच्चा पैदा करता है बस हो गया, इतना तो करता है। अभी बच्चा पैदा कर देते हैं बड़े हो गए कैसा है मर जवान हो गया या फिर जवान का हो गया हिसाब से पैदा करके जितने तो औकात हुए है मतलब छोड़ देते हैं तो आदमी में जानवर में कौन अंतर नहीं रहेगा। जैसे सीधे राम राम कहा चाहिए राम राम कहिए तो कल्याण बाबा यही मसल बुद्धि यही नहीं हमारा विचार यह है, चाहे जौने हालत में रहा हो चाहे जौने सर्विस में रहा हो चाहे जौने झाड़ू लगाओ में रहा हो राम जरूर कहो इस भी रूप में यह कहते हैं भगवान की राम कहो। अरे भाई इतना यह भगवान का शुक्र मानो कि भगवान मनुष्य का जीवन दे बड़े भाग मानुष तन पावा तो इतना शुक्र मानो कि बहुत अब यही मैं तुम्हारा बुद्धि आए चाहे हम चाहे जितना ऊपर चल जाए चाहे नीचे चले जाओ हाँ इतना तुम्हारा हमारा माइंड में दे दी भगवान इसका विस्तार करो, कंप्यूटर है वैसे कंप्यूटर चलाते इसका कंप्यूटर चलाओ जानते हो कहा जानते हो भाई गुण और गुण जानो सब कोई और जो जहनी के भाव ते ही सोई सब जानते हो कुआं में गिरने से मर जाएंगे गिर जाते साले मर जाते फिर जानते हुए गिर जानते हुए यही तो कहा कि गुण और गुण जानो सब नहीं राम राम कहो बढ़िया प्रेम से भाव से लाओ राम कहो चाहे उल्टा कहो चाहे सब कहो तुम दादू जरूर कहोगे नहीं कहो राम कहो चाहे उल्टा कहो चाहे सब कहो बोलना ही बांधा सुधार ले हो गया भजन असली भजन यह है सत्य में चलो बुरी अगर सुधार और राम किसी को सताओ नहीं जीव को बस यही भजन है राम इच्छा सर करे जा सकता है बिल्कुल करो महाराज बिल्कुल।